हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको चिरा एजुकेशन 12 की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही आसान तरीकों से दशमलव का जोड़ सिखाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीकों से दशमलव का जोड़ सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, यहां पर हमें क्या करना है, 43.51 में हमें 26.24 को जोड़ना है। तो दोस्तों चलिए इसको हम जोड़ते हैं। तो दोस्तों, इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम जोड़ेंगे 1 और 4 को। 1 के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 लाइन पाड़ेंगे, 1। और दोस्तों इसके नीचे क्या है, 4। तो हम क्या करेंगे, 4 के लिए 4 लाइन पाड़ेंगे, 1 2 3 4। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन सारी लाइनों को गिन लेंगे। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों 1 और 4 को जोड़ने पर क्या आया, 5। तो दोस्तों हम यहाँ पर 5 को लिख देंगे। अब दोस्तों उसके बाद क्या है, 5 और 2। तो दोस्तों ऊपर में क्या है, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 के लिए 5 लाइन पाड़ेंगे, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 2। तो हम क्या करेंगे, 2 के लिए 2 लाइन पाड़ेंगे, 1 2। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इन सारे लाइनों को उसी तरीके से गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों 5 और 2 को जोड़ने पर क्या आया, 7। दोस्तों हम यहाँ पर 7 को लिख देंगे। अब दोस्तों उसके बाद आ गया हमारा दशमलव। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है और नीचे वाले संख्या में भी 2 अंक के बाद दशमलव है। दोस्तों हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों उसके बाद क्या है, 3 और 6। तो दोस्तों ऊपर में है 3, तो हम क्या करेंगे, 3 के लिए 3 लाइन पाड़ेंगे, 1 2 3। और दोस्तों इसके नीचे क्या है, 6, तो हम क्या करेंगे, 6 के लिए 6 लाइन पाड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों हमको क्या करना है, इन सारे लाइनों को गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों 3 और 6 को जोड़ने पर क्या आया, 9। तो दोस्तों हम यहाँ पर 9 को लिख देंगे। अब दोस्तों उसके बाद क्या है, 4 और 2। तो दोस्तों ऊपर में है 4, तो हम क्या करेंगे, 4 के लिए 4 लाइन पाड़ेंगे, 1 2 3 4। अब दोस्तों उसके नीचे क्या है, 2, तो हम क्या करेंगे, 2 के लिए 2 लाइन पाड़ेंगे, 1 2। अब दोस्तों हमको क्या करना है, इन सारे लाइनों को गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों 4 और 2 को जोड़ने पर क्या आया, 6। तो दोस्तों हम यहाँ पर 6 को लिख देंगे। और दोस्तों हमने बहुत ही आसान तरीकों से इस दशमलव के जोड़ को सॉल्व किया। चलिए दोस्तों इसको भी सॉल्व करते हैं, जिसकी मदद से आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 52.43 में 43.15 को जोड़ना है। तो दोस्तों चलिए हम उसको इसी तरीके से जोड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, 3 और 5 को जोड़ना है। दोस्तों ऊपर में है 3, तो हम क्या करेंगे, 3 के लिए 3 लाइन पाड़ेंगे, 1 2 3। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 5, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 के लिए 5 लाइन पाड़ेंगे, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों हमको क्या करना है, इन सारे लाइनों को गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों 3 और 5 को जोड़ने पर क्या आया, 8। दोस्तों हम यहाँ पर 8 को लिख देंगे। अब दोस्तों इसके बाद है 4 और 1, तो हम क्या करेंगे, 4 के लिए 4 लाइन पाड़ेंगे, 1 2 3 4। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 1, दोस्तों हम क्या करेंगे, 1 के लिए 1 लाइन पाड़ेंगे, 1। अब दोस्तों हमको क्या करना है, इन सारे लाइनों को गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों 4 और 1 को जोड़ने पर क्या आया, 5। दोस्तों हम यहाँ पर 5 को लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव को लिख देंगे। अब दोस्तों उसके बाद है 2 और 3, दोस्तों हम क्या करेंगे, ऊपर में है 2, तो हम क्या करेंगे, 2 के लिए 2 लाइन पाड़ेंगे, 1 2। और दोस्तों इसके नीचे क्या है, 3, तो हम क्या करेंगे, 3 के लिए 3 लाइन पाड़ेंगे, 1 2 3। अब दोस्तों हमको क्या करना है, इन सारे लाइनों को गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5।
तो दोस्तों 2 और 3 को जोड़ने पर क्या आया 5। दोस्तों हम यहाँ पर 5 को लिख देंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारा सबसे लास्ट पेपर चाहिए 5 और 4। तो दोस्तों ऊपर में है 5, तो हम क्या करेंगे 5 के लिए 5 लाइन पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों 5 के नीचे क्या है 4, तो हम क्या करेंगे 4 के लिए 4 लाइन पढ़ेंगे, 1 2 3 4। अब दोस्तों हमको क्या करना है, इन सारे लाइनों को गिन लेना है, तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों 5 और 4 को जोड़ने पर क्या आया 9। दोस्तों हम यहाँ पर 9 को लिख देंगे। और दोस्तों हमने बहुत ही आसान तरीकों से इन दोनों दशमलव वाले जोड़ को हमने सॉल्व किया। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कोने वीडियो में कोने टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।